नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है और पेपर अभी जो है आपका 14 नवंबर तक चलेगा। तो जिनका भी पेपर अभी 5 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच है, आज इस वीडियो में उन सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे स्टैटिक जीके के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस रहेंगे स्टैटिक जीके के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए। तो अगर आप भी एसएससी एमटीएस और हवलदार की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका भी पेपर 5 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच है, तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता देना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ध्यान से देखिएगा, भारत की प्रथम महिला जो आईपीएस अधिकारी थी वो कौन थी? तो देखो, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। आपको बता दें, क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट रहेगी, क्योंकि पेपर जिस टाइम चलता है उस टाइम सारे क्लासेस बिल्कुल सुपर फास्ट रहती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग का क्या संकेत करता है, या सफ़ेद रंग क्या संकेत करता है? अब देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें तीन रंग होता है और तीन में से एक आपका होता है सफ़ेद, और ये जो सफ़ेद वाला रंग है ये क्या संकेत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत करता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो भाई, हॉर्नबिल उत्सव की बात करें तो ये साथियों भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। आपको बता दें, आज मैंने करीब 4 बजे के आसपास आपके लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 के लिए लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का एक क्लास अपलोड किया, जिसमें 70 क्वेश्चन है। उस वीडियो को अगर आप देखकर चले जाओगे ना साथियों, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे कि उस वीडियो से हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी जो है उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना चैनल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्र नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो भाई, तंजौर बाला सरस्वती ये किस शास्त्र नृत्य की नृत्यांगना थी? तो देखिएगा, करेक्ट आएगा भारतनाट्यम की। भारतनाट्यम जो कि साथियों किस राज्य का? तो तमिलनाडु राज्य का शास्त्र नृत्य है। देखिए, मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्र नृत्य है, ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्र नृत्य है, और बिहू जो है असम राज्य का एक लोक नृत्य है, याद रखना। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, एजरा कप जो है वो किस खेल में दिया जाता है? याद रखिएगा, पोलो में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो साथियों देखिए, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये किस शहर में स्थित है? तो रायपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। आपको ये सारे क्लासेस देखने हैं, मैं डेली आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के दो सेट्स लाऊंगा और एक आपको कोई टॉपिक वाइज कराऊंगा, जिन जिन टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उन तीनों क्लासों को आपको डेली देखना है। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? ध्यान से देखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो भाई, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हुडो किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हुडो जो है ना ये साथियों गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है, और कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिली जिन किंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो कप है बिली जिन किंग कप ये किस खेल में दिया जाता है? तो करेक्ट आएगा टेनिस में। राइट है ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। अगला है, पंचेत बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो देखिए, पंचेत बांध की बात की जाए तो ये किस राज्य में है? तो भाई, ये झारखंड में स्थित है साथियों। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। अगला है, देखिए, व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइल्ड, देखिए, व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी ये कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे
स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम जो है इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में। राइट है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, कुम्मी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कुम्मी की बात की जाए तो ये तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो भाई देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्योंकि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सलीम अली पक्षी अभयारण्य की बात की जाए ये किस राज्य में स्थित है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। अगला है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय की बात की जाए तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स बेल्जियम। भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? तो साथियों, भारत का वो कौन सा भाग है जहां सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? देखो, करेक्ट आएगा राजस्थान में। राइट है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है ये भाई किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा क्या है? डेनमार्क एक देश है और उस देश की राजधानी और करेंसी आपसे पूछा जा रहा है। तो डेनमार्क की जो राजधानी है वह है कोपनहेगन और डेनमार्क की जो मुद्रा है वह है क्रोन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। कीर्तन, देखिए कीर्तन नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भाई कीर्तन हो चाहे आपसे बाउल पूछे, बाउल तो ये सभी पश्चिम बंगाल का है। राइट है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला है, भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मुंबई। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व मृदा दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 16 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, कजरी, देखिए कजरी होगा, कजरी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो कजरी की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोकगीत है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, देखिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई कामराजर पोर्ट लिमिटेड जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, हेडक्वार्टर जो कि नैरोबी में स्थित है, केनिया में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, नैरोबी केनिया। आगे देखिएगा, अगला, भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से जुड़े हैं? तो भारतीय खिलाड़ी शिव थापा जो हैं ये भाई किस खेल से जुड़े हैं? तो बॉक्सिंग से यानी मुक्केबाजी से। राइट है ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग। महान जीवित चोल मंदिर इनमें से कहां पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो महान जीवित चोल मंदिर जो है इनमें से किस राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आएगा तमिलनाडु में स्थित है ये महान जीवित चोल मंदिर। अगला है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। आज आपसे कवल, देखिए कवल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा था, यानी कवल टाइगर रिजर्व या कवल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, आज आपसे पूछा था, है ना? तो वो उसका आंसर आपका तेलंगाना हो जाता। चलिए आगे देखिए, चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो भाई चेक गणराज्य देश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो याद रखिए, कोरुना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कोरुना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के गीत पुस्तक के लेखक हैं? भारत के गीत पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है ये आपको बताना है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। याद रखना, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, कीरू जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जम्मू कश्मीर। साथियों अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। देखिए कोफी अन्नान किस देश से थे? तो भाई कोफी अन्नान की बात की जाए तो ये किस देश के थे? तो घाना के। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि कोफी अन्नान कौन है, तो देखो कोफी अन्नान की बात करें तो ये जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के सातवें महासचिव के रूप में कार्य किया था इन्होंने, याद रखना। अगला है कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये त्रिपुरा में स्थित है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। भारत का सामान्य बीमा निगम इनमें से किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो भारत का सामान्य बीमा निगम जो है किस वर्ष में शामिल किया गया था, याद रखिए 1972 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था, यानी किस जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? तो याद रखिए यरवदा के जेल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, यरवदा। अगला है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो करेक्ट है अहमदाबाद की हड़ताल में, जो कि 1918 में हुआ था, याद रखना। अगला है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? देखिए करेक्ट आएगा गंधार में, गंधार करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी गंधार। अगला है माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो भाई माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय है अर्जुन वाजपेयी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी अर्जुन वाजपेयी, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इससे पहले आपको बता दें, देखिए राघव जोनेजा की बात करें तो ये 15 साल और 7 महीने के हैं, ठीक है। और अर्जुन वाजपेयी की बात की जाए, ठीक है, तो ये जो है इनसे थोड़े कम उम्र के हैं। और 13 साल की मलवत पूर्णा ने सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने का कारनामा किया है, ये भी आपको याद रखना है अभी, ठीक है। मलवत पूर्णा ये लेटेस्ट है, अगर आपको ऑप्शन में अर्जुन वाजपेयी ना मिले तो राघव जनेजा मिलेगा या मलवत पूर्णा मिलेगा। अगला विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई थी? तो भाई सोफिया। और किस देश की नागरिकता प्राप्त हुई थी? तो सऊदी अरब की, याद रखना, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में, याद रखिएगा बनारस, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ था या दिया था, कब? तो 14 जनवरी 1916 को, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो देखिए करेक्ट आएगा पिनाका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है ये किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो देखो करेक्ट आएगा यहाँ आपका कर्नाटक संगीत के साथ। कर्नाटक संगीत का जनक भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना संत पुरंदर दास, ठीक है। और कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखना। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो भाई बिंबावती देवी जो है ना साथियों, याद रखना, मणिपुरी नृत्य की नृत्यांगना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखिए बिंबाता देवी भारत के मशहूर मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह और गुरु कलावती देवी की पुत्री हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आएगा हम्पी महोत्सव को, ऑप्शन नंबर सी। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो देखिएगा हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो ये 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है नागालैंड में। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो साथियों झारखंड में सरहुल पर्व जो है ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा साथियों फूलपति जावरा और मटकी ये तीनों लोक नृत्य मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, लेकिन लाहो की बात करें तो लाहो मेघालय राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे देखिए भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जूट का पहला कारखाना रिसड़ा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ पर यह स्थापित किया गया था, रिसड़ा पश्चिम बंगाल में। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भाई तरंग मेल जो है ये गोवा राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना। देखिए गोवा के कुछ
प्रमुख लोक नृत्य आपको बता देते हैं, जैसे कि देखो तरंग मेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिग्मो, इसके अलावा घोड़ी मोडिनी, जो कि आज पूछा गया था घोड़े मोडिनी आपसे कि किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गोवा का। इसके अलावा समाई नृत्य, जगर, रनमाले, गोम्फ, तुनैया मेल, ये सभी जो है गोवा राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर एसएससी एमटीएस का कब है और किस शिफ्ट में है। इसी तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।